हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। एक बार फिर से देश में कोरोना वायरस की मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लोगों के मन में डर और दहशत का माहौल छाया हुआ है। जब हमने लोगों से बात की तो उनका कहना है कि पिछले साल जब लॉकडाउन लग गया था तो लोगों की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, लोगों के रोज़गार ठप हो गए थे, रोजी रोटी छिन गई थी और कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा था। उनका कहना है कि ऐसा ही हम लोगों को अब की बार लगता है कि अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ेगा और स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। जिस तरह से कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? कोरोना वायरस बढ़ने से आदमी को परेशानी तो होती ही है, आगे चल के और परेशानी होगी। सरकार तो इसका निर्णय लेगी, उसकी भी परेशानी आदमी को भुगतना पड़ेगा। जैसे कि अभी पहले लॉकडाउन रहा और लोगों की स्थिति किस तरह से रही और अभी स्थिति में क्या सुधार आया है? अभी स्थिति में ये है कि आदमी चलता फिरता रहा है, अपना धंधा पानी टाइम से चल रहा है, इतना कोई प्रतिबंध नहीं है ताकि घर से बाहर ना जाए। पहले किस तरह की स्थिति, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा? पहले स्थिति का क्या है कि आदमी घर से बाहर नहीं निकल पाता था, ना खाना खा पाता, ना कोई व्यवस्था ऐसी बना पड़ता, उद्योग धंधे से भी टूट गया, इसकी कोई परेशानी ना। जाके साहब लॉकडाउन नहीं लगा अपन, जब हमारा किसान आदमी बिगड़ मौत के मारे का कल, अरे अरे 6 महीना लग रहा सुन बिगड़ मौत के मारे मेरे सास आई का घर से बेकारी से चुकाए और का हम हमें से का से कभी साधन हुए काम नहीं। किस तरह की स्थिति रही आपकी लॉकडाउन में? अरे ठीक है, रहिए भी उनका बैठे रहे, नेच कम बैठे हैं, दुखम बैठे रहे, सब दिन खोल बैठे रहे, अब कछु चल गई कहे हमारे वहाँ तक दे दें फिर बता लें। जैसे चलता तो कहे जल जो खा पान हो ना कोई क्यों नौकरी चाखी जा है जब आप खाए हैं ऐसा निकाल साहब देखो। अबे आपकी किस तरह की सुधार आया है आपके? अच्छा तो सुधार, अच्छा किस तरह की सुधार? अच्छा तो अपने कर रहा जो खा रहा जो अपने किसान आदमी कर रहा जो खा रहा है। अब देखो अब जब वो लॉकडाउन लगा के दिया मौत को मेरे आदमी के लिए मुझे मौत ही नहीं आता, मैं जो मोन तो खा बैठी गई तो जी हम जाइए कभी बना फोन जब मैं दिला। कोरोना वायरस एक पूरी भारत ही नहीं पूरी देश विदेश में भी परेशान है उस बीमारी से, और यह बीमारी के लिए केवल एक ही उपाय है, जब तक वैक्सीन सब लोगों को नहीं मिल जाती केवल एक ही उपाय है कि सामाजिक दूरी और मास्क जरूरी, यानी मास्क प्रत्येक लोगों को लगाना चाहिए जब तक उसके 2 डोज नहीं मिल जाती हैं। हो सकता है कि लॉकडाउन लग सकता है कि जैसे कि लोगों का कहना है कि इस तरह से हम लोगों को डर बना है, तो आपके इस मन में क्या विचार है और किस तरह का डर है? तो अगर लॉकडाउन लगता है जी तो मानते हैं कि अभी केसेस जो हैं कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काफ़ी बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है जिस कदर गवर्नमेंट अपना कोरोना के जो नियम बनाती हैं उसमें थोड़ी गलत है। लोग भगवान के लिए ठीक है कोरोना हो गया अभी आप अंदर रहो, लेकिन आपकी जो चुनावी रैलियाँ हैं उनमें आपको प्रतिबंध नहीं है, उनमें मास्क जरूरी नहीं है। राम राजा सरकार के लाने 3 दिन के लाने होली का जो होली को पर्व आ रहा हो तो मैं 3 दिन के लाने उनके लाने निकल के आने हैं और अपने भक्तों के लाने होली के दर्शन देने हैं, तो वो किलाएँ तो आप बड़बड़ी माने तैयारियां कर रहे हैं कि राजा राम मंदिर को वो नहीं हो पाए कार्यक्रम, लेकिन आप अपने चुनाव पे प्रतिबंध नहीं लगा पाए। और दूसरी बार आपने एक ठीक है जो हॉर्न बजाओ मास्क लगाओ, इनमें आप जो कलेक्ट्रेट है या और भी विभाग है उन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भैया हॉर्न बजाओ शाम के 7 बजे और सुबह 11 बजे, तो उनमें 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 आदमी जुड़ रहे तो बा भीड़ नहीं हो रही। टीकमगढ़ में पिछले 7 दिनों में लगातार केस बढ़ रहे थे, तो कलेक्टर साहब ने विशेष कुछ निर्णय लेते हुए ये बहुआयामी प्रयास शुरू किए हैं। जैसे आज आप देख सकते हैं पूरे शहर के हर चौराहे पर पूरे ज़िले के तहसीलदारों को यहाँ बुलाकर पुलिस और नगरपालिका की टीम के साथ हमारे पटवारियों के साथ चालानी कार्रवाई कर रहे हैं, रोको टोको अभियान चला रहे हैं। हमने सबसे पहले जैसे केस हमारे पिछले महीने 4-5 से भी ज़्यादा बढ़े थे और माइक्रो कंटेनमेंट बनाना शुरू कर दिए थे, लाल कलर का डेंजर साइन का पोस्टर हम लगा रहे हैं घर के आगे, जो इसका उल्लंघन कर रहा है घर से बाहर निकल रहा है उन पर कार्रवाई भी करेंगे, समझाएंगे भी। और जैसा कि कल क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग हुई थी तो उसमें डिसीजन लिया गया कि जो दुकानदार जिनके यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है उन पर ज़्यादा चालान किया जाए, 500 रुपये का चालान किया जाए, और शाम को 7 बजे जो एक प्राइम टाइम रहता है हमारा बाज़ार का 6-7 से 8-9 बजे तक, उस समय पुलिस फोर्स के साथ SDOP साहब और TI साहब के मार्गदर्शन में हमारे जो राजस्व अधिकारी हैं और नगर पालिका के कर्मी हैं वो गलियों में जाके
और दुकानदारों के यहाँ जाके जहाँ बिना मास्क के लोग मिलते हैं उन पर चालानी कार्रवाई करते हैं। इसका बहुत अच्छा असर आप देख सकते हैं। पिछले एक हफ्ते में जो हमारा परसेंटेज था मास्क लगाने का लोगों का, वो बढ़ा है। आप कभी भी रोड पर उतर कर देख सकते हैं। इसके अलावा जो और प्रयास किए जा रहे हैं, आज कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में सभी वरिष्ठ पत्रकार और जो मीडिया बंधु हैं उनको बुलाया गया और सभी ने बहुत सहजता से इस आमंत्रण को स्वीकार के मीडिया में अपने बहुमूल्य सुझाव दिए मीडिया कार्यशाला में, और उन सुझावों पर अमल करने के लिए कलेक्टर साहब ने आदेश भी दिए मुझे भी और जो संबंधित विभाग है उनको भी, तो उन पर अमल किया जाएगा। और आप लोगों के माध्यम से लोगों तक एक जागरूकता, सकारात्मक हमारे प्रयास वो पहुँचें, क्योंकि इस समय सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के अलावा केवल वैक्सीन ही है जो हमारा एक उपाय है। तो वैक्सीनेशन जो शुरू हो गया है 2 अप्रैल से पूरे हर दिन जो चलेगा, तो जो मीटिंग में डिसाइड हुआ था उसमें कुछ सेंटर्स बढ़ाए गए हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग ग्रुप्स, जैसे हमारे पत्रकारों का ग्रुप, हमारे धर्म गुरुओं का ग्रुप, हमारे एनजीओज, हमारे जनप्रतिनिधि, इन लोगों की अलग अलग मीटिंग लेके कलेक्टर साहब सबसे अपील कर रहे हैं, लोगों के एक कैंप जैसा करके उनका वैक्सीनेशन का वो कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हमने वैक्सीन लगाया है आप भी लगवाइए। और ये टारगेट है कि अगले 8 से 10 दिन में हमारे जो 45 से ऊपर के लोग हैं या कोमोरबिड हैं उनको सबसे पहले वैक्सीन मिल जाए, लग जाए। जी बिल्कुल, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। जब लोगों को वैक्सीन शुरू में मतलब थोड़ा सा देखा गया था कि कम लोग आ रहे हैं, कुछ लोगों के मन में भ्रांतियाँ भी थी, लेकिन ये हम जानते हैं पूरा विश्व इस चीज़ से जूझ रहा है, महामारी से जूझ रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेके हर एक अधिकारी, कर्मचारी, हर व्यक्ति ने जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगाई है उनको लगवाने के बाद भी 15-20 दिन हो गए हैं, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देखा जा रहा है कि कोरोना जैसी महामारी अपने पैर पसारते जा रही है, तो दूसरी तरफ लोग बाजार में बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। इसमें शासन और जनता दोनों की लापरवाही बताई जा रही है। लोगों से अपील है कि कोरोना से बचने के लिए सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें, मास्क लगाएं और लोगों से दूरी बनाकर रखें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।